वक्त हुआ है साथ में 70 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, और एक बड़ा खुलासा जो हुआ है, थाने के भीतर के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। जो यरवदा थाने के अधिकारी हैं वो भी जांच के घेरे में है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आरोपी को थाने में पिज्जा बर्गर दिया गया। एसीपी स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लगातार नए नए खुलासे जो हैं वो इसको लेकर हो रहे हैं, और इस आरोपी को किस तरह से एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला अब उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो जो सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी यहां पर नजर आ रहा है उसे जब्त कर लिया गया है। तो ये आप देखिए कि यरवदा थाने के जो अधिकारी हैं वो भी अब जांच के घेरे में हैं, क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी जतिन, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और उसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जहां पर ये पूछताछ की जा रही है। जतिन, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, तमाम वो चीजें निकलकर सामने आ रही है, साथ ही साथ अब तो सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये बताता है कि देखिए किस तरह से एक मिली भगत थी वो जो अधिकारी थे, वो किस तरह से एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा था। आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत में ये केस जितना सरल पुलिस को लग रहा था और उसी आधार पर कार्रवाई भी पुलिस ने कर दी थी, नाबालिग को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद अब ये केस उलझता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर नजर आई। और यही कारण है कि सुबह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एसीपी रैंक के ऑफिसर पुलिस लापरवाही को लेकर जाँच कर रहे हैं। अब उसी पुलिस स्टेशन, यरवदा पुलिस स्टेशन जहाँ का ये पूरा मामला है, उसी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को जाँच टीम ने जब्त किया है। दरअसल आरोप ये लगे थे कि पुलिस स्टेशन के अंदर नाबालिग को अगर पिज्जा वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात की गई थी, उन आरोपों में कितनी सच्चाई, और यही कारण है कि जांच टीम पहुंचती है और पुलिस स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डाटा को डंप किया जाता है, उनके सीसीटीवी कैमरों के डाटा को रिकॉर्ड करके अपने साथ टीम वहां से लेकर निकली है। आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जब पुणे पुलिस कमिश्नर से मिले थे तो उनके सामने भी इस तरीके से लापरवाही पुलिस कर्मियों द्वारा करने के आरोप लगे थे। उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि इसमें जांच करवाई जाएगी और अब एसीपी रैंक के ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा शुरुआत में जब पुलिस कमिश्नर ने बोला था कि जतिन यानी विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, इस मामले में लगी सीसीटीवी लिए गए और उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि उस दिन किस तरीके से वो तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या कहती है। पिज्जा बर्गर दिया गया, तमाम चीजों को पूरा किया गया, ये चीजें सीसीटीवी में एस्टैब्लिश हो रही हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुख्य आरोपी के पिता से एक तरफ पूछताछ की जा रही है। आता सगरी गोष्टी आता सांगणे उचित नाही होणार, परंतु मी आपल्याला सांगितलेले आहे, मी रिपीट करतो की त्या काळात काही घटनाक्रम जेनेवर ड्राइवर बदलण्याची प्रयत्न करण्यात आली होती ही गोष्टी समोर आलेली आहे। म्हणून 201 आयपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एव्हिडन्स अंतर्गत पण कारवाई करण्यात येतील। म्हणजे सर्व दिशेनी सर्व दृष्टीनी एक एक क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट म्हणून